निर्गमन की पुस्तक, पंजाबी में उसे बोलते हैं कूच, निकालो उसका 30 अध्याय, ताकि आज आपको समझ आ जाए। इसलिए अभी मैं आपको समझा रहा हूं जो मैंने अभी सेकंड लाइन थी, जो घर बैठे ही अभिषेक का तेल बनाना सीखे, क्योंकि इस पर किसी ने, किसी सेविक ने कलीसिया को, अपनी कलीसिया को ये टीच किया। अब मैं आपको उसका सही मीनिंग बताता हूं, क्योंकि जब हम प्राण और नया नियम पढ़ते हैं, तो पढ़ते समय हमने सब चीजें ध्यान में रखनी। जैसे मैंने जकूब की पत्री में आपको पढ़ाया, जिशाया 58 उसका 58 का मतलब समझाया, तो अभी इसका भी हम मतलब समझेंगे। अगर हम इसकी 30 का 22 से पढ़ें, तो यहां पे अलग अलग चीजें बोले क्या है। परमेश्वर ने अपने दास मूसा को कहा कि इसराइलियों को बता कि क्या क्या चीज लें और कितनी कितनी शकेल, ऐसे बताया कि गंधरस, दालचीनी, हाँ, सुगंधित अगर, हाँ, ऐसे 5 चोबी के में लिखा, और 500 शकेल तज और एक हीन जतून का तेल लेकर, उसके लिए अभिषेक का पवित्र तेल अर्थात गंध की रीति से तैयार किया हुआ सुगंधित तेल बनाना, यह अभिषेक का पवित्र तेल ठहरेगा। क्या ठहरेगा? ये कुछ ऐसे लिखी गई, ऐसे ऐसे जे चीजों को लेकर तुम क्या बनाना। परमेश्वर ने अपने दास मूसा को कहा कि इसराइलियों को बोल के ये चीजें लेकर अभिषेक के तेल को तैयार करना। कितनों को समझ आ रही? अब मैं आपको आज पूरा मतलब समझाता हूं। अब इसका हम 30 और 31 पढ़ेंगे। लिखा, फिर हारून का उसके पुत्रों को पुत्रों के साथ अभिषेक करना, और इस प्रकार उन्होंने मेरे लिए जाजक का काम करने के लिए पवित्र करना। बोलो क्या करना? अब ध्यान से सुनो, इस तेल, जब यह तेल तैयार हो जाए, तो सबसे पहले हारून के पुत्रों को, जो उसका बड़ा भाई था मूसा का हारून, उसके पुत्रों को लेकर उनका अभिषेक करना, जाजक के काम के लिए क्या करना, उसे तैयार करना खुदा की सेवा के लिए। कितनों को समझ आ रही है? और 31 में लिखा, और इसराइलियों को मेरी ये आज्ञा सुनाना, ये तेल तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे लिए पवित्र अभिषेक का तेल होगा। ये बात किन लोगों के लिए की गई? इसराइलियों। लिखा, उन लोगों को परमेश्वर ने कहा कि ये जो तेल की विधि है, तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे लिए पवित्र अभिषेक का तेल होगा। ऐसे समझा, समझ आ रही है? ये बात किन लोगों के लिए लिखी गई है? उस समय की इज़राइल वंश के प्रजा के लिए। समझ आ रही? अब इसका हम और मतलब समझते हैं। हम लेवस्ता जाएंगे, पंजाबियों, पंजाबी की बाइबल में उसे शायद लेवियों की पुस्तक बोलते हैं, और हिंदी में लेवस्ता, उसका 14 अध्याय, उसका 18 आयत, 14:18, पंजाबी में लेवियों की पुस्तक। नोट करते जाओ। और जो तेल जाजक की हथेली पर जाए, उसको वह शुद्ध होने के लिए सिर पर डाल दे, और जाजक उसके लिए यहोवा के सामने प्राश्चित करे। ये परमेश्वर ने कोढ़ से शुद्ध होने के लिए, ये ऐसे ये वचन है कि जब कोढ़ी आए, तो और जो तेल, वही तेल जो अभी हमने निर्गमन कूच की पुस्तक में उसकी 5:22-23-24 में पढ़ा है, कैसे तैयार करना, क्या क्या चीजें लेना। तो यहां पे लिखा है और जो तेल, और फिर 30 और 31 में लिखा, परमेश्वर ने मूसा को कहा हारून के पुत्रों को उस तेल से अभिषेक करके जाजक के काम के लिए तैयार करना। अब यहां पे लिखा, और जो तेल जाजक की हथेली पर रह जाए, उसको वह शुद्ध होने के लिए सिर पर डाल दे, और जाजक उसके लिए यहोवा के सामने प्राश्चित कर। कौन उसके बीमारी के लिए, उसके रोग के लिए, कौन उसके लिए प्राश्चित करे? जाजक, जिसको परमेश्वर ने, जिसका अभिषेक। अब बात समझ आ रही है? बोलो क्या है? कि उस तेल को जाजक की हथेली पर डालकर वह शुद्ध होने के लिए सिर पर डाल दे, और जाजक उसके लिए यहोवा के सामने प्राश्चित करे, परमेश्वर के सामने जाए, उस पर तेल डालकर किसके सामने जाए? जो भी उसने गुनाह किया, पाप किया है, बोलो क्या किया है? उस पर, उसके सिर पर डालकर उसकी
तेल, तो किसके सामने जाए, कौन प्राश्चित करे। पर हम इस बात को अब नए नियम में समझेंगे। इसको पहला यूहन्ना इसकी दो का हम दो पढ़ेंगे, और वही हमारे पापों का पश्चात केवल हमारे नहीं वरन सारे जगत के पापों का। अब बात आपको समझ आ रही है, क्योंकि पत्रस कहता हमें छुटकारा सोने और चांदी से नहीं, निष्कलंक मेमने यीशु के लहू से मिला। किसे मिला है? बोलो किसे मिला है? फिर से अपनी आंखों को बंद करो, हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर जो आज तेरे दास के मुंह से ये बातें आ रही है मेरी बुद्धि और समझ में आई। मैं सत्य को जो तेरे दास मुझे आज समझा रहे परमेश्वर मैं अच्छे से समझ पाऊं, ताकि मैं उसे समझ कर मैं खुद वो अच्छा जीवन जी पाऊं, और ये तेरा सत्य मैं औरों को भी बता सकूं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो हमारे लिए पाप के लिए कौन प्राश्चित ठहरा? यीशु मसीह। अब बात समझ आ गई ना? क्योंकि उस समय जाजक को परमेश्वर ने कहा कि उनके लिए प्राश्चित करे, प्रार्थना करे उनके तेल डालकर। समझ आ गई? हुआ क्या? अब हम इस बात को जैसे तेल की बात है ना, अगर हम पहले शमूएल 16:13 में पढ़े तो परमेश्वर ने शमूएल का भी अभिषेक, हाँ दाऊद का तेल से अभिषेक किया। समझ आ रही है? अब नोट कर लो पहला शमूएल 16:13। फिर हम नए नियम में आएंगे जो मत्ती मरकुस लूका यूहन्ना है। मत्ती मरकुस लूका यूहन्ना मरकुस 6:12। चलो इस वचन को देखते हैं। बोलो क्या है? इस वचन को हम देखते हैं मरकुस 6:12। तो 6:12 में लिखा, तब उन्होंने जाकर प्रचार किया और मन फिरा और बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला और बहुत से बीमारों पर तेल मलकर उन्हें चंगा किया। बोलो क्या मिला? अब ये बात जो तेल की है सिर्फ मरकुस करता है, ना मत्ती करता है ना लूका करता है। बोलो क्या है? अगर आप इसको समझना चाहते हो तो आप मत्ती 10:5 में जा सकते हो, 5-15 नोट कर लो, मत्ती 10:10 5-15, क्योंकि वहां पर यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा जाओ जाकर जगत के लोगों को सुसमाचार दो। क्या इज़राइल की खोई हुई भेड़ों के समान किसी दूसरे के पास ना जाना, तुमने सेत में पाया तुम सेत में दो, तुमने फ्री पाया तुम फ्री दो। बोलो क्या दो? जिस घर भी जाओ, जो घर हाँ कल्याण के जोगे हो तुम उन पर तुम्हारा कल्याण ठहरेगा, और जो लोग तुम्हें रखे उन घर में टिकना, जो नहीं रखे अपनी ऐसे जुत्ती को झाड़ कर वापस आ जाना। ऐसे करके यीशु मसीह ने उन्हें यह समझाया। इसको आप पढ़ना ठीक है, पर इस बात को हम लूका में पढ़ते हैं। लूका 9:1-6 समझ आ रही है सबको? यहां पे लूका लिखता है ना तो मत्ती ने कोई तेल की बात की, उसने सिर्फ कहा है कि जो यीशु मसीह ने टीचिंग दी। मत्ती लिखता है कि जाओ जाकर सब जगह के लोगों को बताओ और इसराइल की खोई हुई भेड़ों के समान किसी दूसरी अन्य जाति के पास न जाना, तुमने सेत में पाया कोड़ियों को शुद्ध करो, बीमारों को चंगा करो। क्या करो? तुमने सेत में पाया तुम सेत में दो। सेत में का मतलब फ्री, तुमने फ्री लिया फ्री दो। जैसे आज हीलिंग, आज चंगियाई, आज मसा बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है कि नहीं बिक रहा मसा? ध्यान से समझो लूका क्या कहता है। लूका लिखता है, एक सेकंड, लूका 9:1 फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्टात्मा और बीमारियों को दूर करने का सामर्थ और अधिकार दिया और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। उसने उनसे कहा मार्ग के लिए कुछ ना लेना ना
ना तो लाठी ना झोली ना रोटी ना रुपया ना दो 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 कुर्ते। जिस किसी घर में तुम उतरो वहीं रहो और वहीं से विदा हो। जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करे उस नगर से निकलते हुए अपने पाँव की धूल जा डालो, उन पर गवाही हो। अतः मैं निकल कर गाँव गाँव सुसमाचार सुनाते हो, हर एक कहीं लोगों को चंगा करते हुए फिरते। क्या करें? चंगा हुए, ये सुसमाचार बताते, लोगों को चंगा करते फिरे। क्योंकि ना तो मत्ती ने कोई तेल की बात की, ना लुका ने की, ये बात सिर्फ मरकुस करता, ना यूहन्ना करता। कितनों को समझ आ रहा है? बोलो क्या है? ना मत्ती करता है, ना लुका करता है, ना यूहन्ना करता है। वो सिर्फ सुसमाचार की बात कर रहा है। हो सकता है ये बात ट्रांसलेटर ने ऐड कर दी, क्योंकि बाइबल में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो ऐड हुई जिसका पूरी तरह मतलब नहीं लोगों को समझ। हाँ, जैसे प्रेरितों की पुस्तक एक अध्याय रसूलना दे करता थियोफिलस, तो अब ट्रांसलेटर को उसका मतलब समझ नहीं आया जो नानी में। बोलो क्या है कि थियोफिलस का मतलब क्या है? क्योंकि जो नानी में उसका शब्द है, थियोफिलस का मतलब परमेश्वर के प्यारे। अब लोग थियोफिलस समझे कि किसी का नाम है, यही चीज है। जैसे अभी हमने जशाया 58 में पढ़ा, हाँ, गला खोल कर ऊंची ऊंची पकार, यीशु मसीह ने कहा कोठड़ी बंद कर, अपने द्वार में चला जा, गुप्त में प्रार्थना कर, तेरा परमेश्वर सुनेगा। आमीन। समझ आ रही है? हम इस बात को फिर पुराने नियम में जाएंगे। जो बात इसराइलियों ने गलती की, आज वही गलती इस दुनिया में कलीसियाओं में हो रही। कितनों को समझ आए? अब मैं इस बात को ध्यान से नोट करना। जब मैं ये वचन, अभी मैंने मत्ती मरकुस लुका की बात की ना, मरकुस तेल की, ये नए नियम की। क्योंकि जब मत्ती मरकुस लुका यूहन्ना पढ़ते हैं तो लोग समझते हैं कि मत्ती में आप वहां पे ऐसे पेज खोलोगे तो वहां पे लिखा नया नियम। बोलो क्या है? नया नियम मत्ती से शुरू है, पर एक्चुअल में जो नया नियम है मत्ती से, मरकुस लुका यूहन्ना से नहीं है, रोमियो से शुरू होता है। क्योंकि मैं प्रूफ कर सकता हूं, आप अगर आप मत्ती 5:18 पढ़ो तो यीशु मसीह ने खुद कहा, नोट करो मत्ती 5:18, यीशु मसीह ने खुद कहा। बोलो क्या कहा? यीशु मसीह ने खुद कहा, मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं, पूरा करने आया हूं। क्योंकि ये व्यवस्था की चीजें थी। बोलो क्या थी? ये व्यवस्था की चीजें थी, और यीशु मसीह ने कहा मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं, पूरा करने आया हूं। अब कब व्यवस्था पूरी हुई? यह नियम कब पूरा हुआ? जब यीशु मसीह का क्रूसीफाई हुआ, जब यीशु मसीह क्रूस पर उस पाप के लिए दिए गए, हमारे प्राश्चित के, हमारे पापों के लिए क्रूस पर मारे गए, तब ये जो व्यवस्था थी तब उसका अंत हुआ। कितनों को समझ आ रही? कितनों को समझ आ रही? जिनको समझ आ रही फिर से हाथ को हिलाओ, फिर से हाथ को हिलाओ। समझ आ गई? समझ आ गई? क्योंकि नया नियम एक्चुअल में मत्ती से नहीं, मैंने अभी आपको प्रूफ किया, यीशु मसीह ने खुद मत्ती 5:18 में कहा मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं, पूरा करने आया, खत्म करने नहीं आया। क्योंकि वो भी व्यवस्था किससे दी गई थी? किससे दी गई थी? वो भी तो खुदा की ओर से थी। अब उसको खत्म करने का मतलब नहीं, उसे पूरा करने का यह मतलब है। पर हो क्या रहा है कलीसियाओं में, ये बात हमने ध्यान से समझनी। फिर हम पुराने नियम में जाएंगे, गिनती की पुस्तक उसका 21 अध्याय, नोट करो गिनती 21 की 5-9 तक नोट कर लो। तो यहां पे क्या हुआ? जब इसराइलियों ने पाप किया, बोलो क्या किया? अब मैं पढ़ता हूं। इसलिए 5 परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहां ना तो रोटी ना पानी, हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखता है। यहोवा ने उन लोगों से जो तेज विश
वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे और बहुत से इजरायली मर गए। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है क्योंकि हमने यहोवा के लिए यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की और यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करें। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की और यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनाकर खंभे पर लटका दे, तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले वह जीवित बचेगा। अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंभे पर लटकाया, तब सांप के डसे हुओं में से जिस जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा वह जीवित बचा। ध्यान से इस बात को समझना। यहां पे जब मूसा पर इजरायली बुढ़ बनाने लगे, जब वो जंगल में थे, उन्हें ना रोटी है ना पानी है ना हम भूखे मर रहे हैं, तो वो बुढ़ बढ़ा रहे थे। उनके बुढ़ बढ़ाने के कारण लिखा परमेश्वर को ऐसे गुस्सा जैसे मान लो, तो लिखा एक तेज विष वाले सब भेजे जो उन्हें डसने लगे जंगल में और इजरायली मरने लगे। फिर से उन्होंने मूसा के पास गए, विनती की, हमने तेरे विरुद्ध, क्योंकि हमने तेरे ऊपर भी गुस्सा किया और तेरे परमेश्वर यहोवा पर भी, अब तू अपने परमेश्वर से विनती कर कि हमें बचा, हम तो मर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम तो मर रहे हैं। मूसा ने जब परमेश्वर से प्रार्थना की तो मूसा को परमेश्वर ने कहा, ऐसा कर एक पीतल का सांप बना और ऊंचे पर लटका दे। क्या कर दे? ऊंचे पर लटका दे, और जितने लोग उस पीतल के सांप को देखेंगे, वो डसे हुए, जितने सांप के डसे हुए जिनको लोगों सांप ने डसा है, जब उस प्रतिमा को, उस सांप की प्रतिमा को देखेंगे तो वो बच जाए। और जब ऐसा किया तो सब लोग जो जिन्हें सांप ने काटा था, जब उसके सामने आते तो वो बच जाते थे, उनके ऊपर कोई भी सांप के जहर का असर नहीं होता था। बात समझ आई है? कितनों को समझ आई? अब आगे हम चलते हैं। अब हम जाएंगे सेकंड राजा, दूसरा राजा 18:4। समझ आ रही है ना सबको? अब निकालो सेकंड राजा 18:4। यहां पे 18:4, दूसरा राजा 18:4 में लिखा, उसने ऊंचे स्थान गिरा दिए, लाठों को तोड़ दिया, अशरेरा शेरा को काट डाला, पीतल का जो सब मूसा ने बनाया था उसको उसने इस कारण चूर चूर कर दिया, क्योंकि उन दिनों तक इजरायली उसके लिए धूप जलाते थे, और उसने उसका नाम नहुशतान रखा। सुनो, इससे ये प्रूफ होता है, क्योंकि ये कौन सा राजा है? हिजकिया। बोलो कौन सा राजा है? हिजकिया, हिजकिया राजा। बोलो क्या है? क्योंकि ये तो अभी हम अगर देखें तो इसमें तो काफी साल बीत जाते हैं। बोलो क्या है? इस पुस्तक को लिखने, जब ये पुस्तक लिखी गई तो काफी लंबा समय बीत गया। ये लंबे समय बाद जो हिजकिया राजा बना, तब तक जो इजरायली थे मूसा के बनाए हुए सांप की जो प्रतिमा, प्रतिमा मतलब एक फोटो, एक तस्वीर, समझ आ रही है, उसकी वो क्या करने लगे? मूसा के मरने के बाद वो पूजा करने लगे। कितनों को समझ आ रही? आराधना किसकी करनी थी? चलो हम अपने हिसाब से समझे, पूजा किसकी करनी थी? परमेश्वर की। बंदगी किसकी करनी थी? परमेश्वर यहोवा की। बचाया किसने? सांप ने के परमेश्वर ने। पर हुआ क्या? जब मूसा मर गया, आगे आगे जो उसके वंश की पीढ़ियां थी आगे, वो परमेश्वर को छोड़कर मूसा के बनाए हुए सांप की, बोलो क्या करने लगे? उसकी पूजा करने। ये देखो कितना बड़ा क्या हो गया। कितनों को समझ आ? अब यही संसार में कलीसियाओं में हो रहा है। बोलो क्या रहे? यही चीज तो हो रही। अब मुझे इस बात की समझ नहीं है, परमेश्वर जानता है इस बात को, क्योंकि सच्चा न्यायी परमेश्वर मैं नहीं हूं। मैं तो जो लिखित वचन है, जो बिब्लिकल बाइबल के अकॉर्डिंग है, मैं तुम्हें समझा रहा हूं, न्यायी सच्चा परमेश्वर। अब मुझे नहीं पता, तेल से जो लोग चंगे हो रहे, हो सकता उनका विश्वास हो तेल लगाने से, क्योंकि जैसे लिखा कि तेल से रोगी विश्वास की प्रार्थना से, मेन पॉइंट है विश्वास की प्रार्थना से बचेगा,
तेल से नहीं बचेगा। कितनों को समझ आ रही है? हो सकता है कि उनके विश्वास से, तेल से नहीं उनके विश्वास से वो चंगे हुए। सुनो, मैं आपको प्रूफ दे सकता हूं। परमेश्वर मुझे माफ करे उन दिनों में जो भी परमेश्वर के वचन अनुसार मैंने नहीं किया, मैंने पश्चाताप किया था। जब मैं शुरू शुरू में आया तो ये चीजें हम भी करते थे, जब हमने जहां चर्च शुरू की तो हम भी ये चीजें करते थे, ऐसे नहीं करते, हम भी करते थे। पर जैसे और मैंने इस सत्य को समझा, क्योंकि पिछले दिनों में आज से तीन साल पहले की बात है, जहां पे मैंने लोगों को लगा, मैंने अपने घर से दो गमले लेकर आया, एक छोटे छोटे पत्तों वाला था, एक बड़े वाला। तो मैंने लोगों को कहा जो बीमार है वो इस पत्तों को टच करें, ऐसे लगाएं, मुझे परमेश्वर ने कहा है। जो बड़े वाले पत्ते हैं जिनके बच्चे नहीं है उनको, वो अपने पेट से इसको टच करें। अरे कितने लोग अपनी गवाहियां दे रहे थे, उसको टच करने से लोगों की गवाहियां बन गई। और मैं हैरान हूं कि मैं ये बातों मैंने अपनी बुद्धि से कर रहा हूं। और मैंने, जब मुझे पूरी समझ आई, मैंने पश्चाताप किया, क्योंकि न्यायी परमेश्वर वो पूरी दुनिया का न्याय करेगा। तो मुझे तो डर आता है, उस नर की आंख से क्या आता है मुझे, क्योंकि उस समय लोग कहेंगे, बोलो क्या कहेंगे, उस समय लोग कहेंगे प्रभु हमने तेरे नाम से ये किया, वो किया, ऐसा किया। वो कहता तुम, मैं नहीं जानता, क्योंकि तुमने मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा को नहीं पूरा। छोटा बड़ा मत देखो, खुदा का सत्य। क्यों पौलुस कहता है मैं सब छोटे प्रेतों से भी छोटा हूं, प्रेत कहलाने के योग नहीं हूं। हाँ बोलो, प्रेरित कहलाने के भी योग भी नहीं हूं, बोलने में अनाड़ी हूं पर ज्ञान में नहीं। हो सकता है मुझसे कहीं पर ज्यादा लोग बैठे, चमत्कार हो रहे हैं, ऐसा नहीं। अगर चमत्कार की बात है, जितने जैसी इस मंडली की गिनती है उसके हिसाब से हम उनकी गिनती के अनुसार से कई गुना ज्यादा परमेश्वर हमसे काम कर रहा है, गिनती के हिसाब से। कल को जब परमेश्वर 10,000 लोग करेगा ना, देखना परमेश्वर दुनिया हिलाएगा, सच्ची ऐसा कर देगा। तो मैंने इस बात को गवाहियां बनी, और मैंने बाद में जब मुझे समझ आई, मैंने कहा परमेश्वर मुझे माफ कर। अरे लोगों की पत्तों को छूने से, ऐसे पेट छूने से बीमारियां चंगी हो रही। अगर पत्तों से हो सकता तेल से नहीं हो सकता। अब मुझे नहीं पता उनका फेथ है कि नेगेटिविटी है, न्यायी परमेश्वर। पर मैं आपको समझाने की ये बात कोशिश कर रहा हूं कि आप अच्छे से समझ जाओ, क्योंकि शैतान बड़ा शातर है। जो सत्य वचन है आप उसको समझ जाओ। कितनों को समझ आ रही है?